हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर मिर्जापुर चौक दरभंगा। नाउ ओपेंड ग्रिल पार्क रेस्टोरेंट अशोका कॉम्प्लेक्स LIC बिल्डिंग राजकुमारगंज दरभंगा, द फर्स्ट रेस्टोरेंट विथ लाइव बारबेक ऑन एवरी टेबल। IB स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। डगरू सेठ ज्वेलर्स GM रोड रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। फिजिक्स की पढ़ाई मतलब डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन by physics guru Dr. G.P. Singh near Kumar Singh College, Darbhanga for 11th, 12th JEE Main, Advance and NEET. Delhi Public School, Kadirabad near WIT, Darbhanga. Registration and admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in Darbhanga. Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga, celebrating record success in JEE Mains 2020, number one institute, best results, big faculty team, infra and management. आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में प्योर विज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपर के साथ टावर चौक दरभंगा। मधुबनी पेंटिंग और कबड्डी के जरिए स्कूलों के नन्हे मुन्ने बच्चों ने दिए नशा मुक्ति के संदेश। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम खंड में नामांकन हेतु कवायद प्रारंभ, विश्वविद्यालय का सत्र नियमित होने से इस बार भी यूनिवर्सिटी की ओर है लोगों का झुकाव। SSP ने जनता दरबार का किया आयोजन, सुनी आम लोगों की फरियाद। विधानसभा मार्च में शामिल होने भाकपा माले के बैनर तले रवाना हुए लोग। दरभंगा सहित पूरे बिहार में लगेगा इलेक्ट्रिसिटी मीटर, कार्यशाला का आयोजन कर दी गई ट्रेनिंग। और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव पहुंचे दरभंगा, बोले मुद्दों से भटकाने के लिए सरकार लाई है CAA, NRC और NPR। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल, डगरू सेठ ज्वेलर्स GM रोड रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज, आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त, हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियरिंग मेडिकल एंड प्री फाउंडेशन फॉर क्लास 7 to 10th, ओमेगा स्टडी सेंटर मिर्जापुर दरभंगा, क्वालिटी स्टडी मटेरियल फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, इम्पेकेबल एडमिनिस्ट्रेशन, हाई क्वालिटी एंड ट्रेन्ड फैकल्टीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग सेशन एंड स्पेशल हेल्प डेस्क, पर्सनलाइज्ड कोचिंग एंड मोटिवेशनल सेमिनार्स, वेल इक्विप्ड रिच लाइब्रेरी, सेफ कैंपस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, रिजनेबल फी, कम सी एंड डिसाइड। नशा मुक्ति अभियान चलाया गया, मिथिला पेंटिंग और कबड्डी के द्वारा बच्चों ने दिए नशा मुक्ति के संदेश, SSP बाबूराम और CTSP योगेंद्र कुमार और कई थानों के थाना प्रभारी भी मौजूद हुए, कई स्कूलों के विद्यार्थी इसमें शामिल हुए। धन्यवाद हमारे माउंट सेवर कॉन्वेंट स्कूल बॉयज एंड किकारी के My name is Kishan Kumar. Last part,
स्टैंडर्ड टू 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 अच्छा किस स्कूल में सनराइज पब्लिक स्कूल हां ये कंसन सब किया जाए पर विभिन्न स्कूलों के बच्चों को पेंटिंग प्रतियोगिता के लिए बुलाया गया है। बच्चे जो है विभिन्न विषयों पर पर्यावरण संरक्षण, नशा मुक्ति, शराबबंदी आदि विषयों पर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग यहाँ बनाई जा रही है। इसमें से फिर हम लोग बेस्ट का चयन करेंगे और उनको पुरस्कृत भी करेंगे। उद्देश्य है कि लोगों में एक जागरूकता पैदा हो और जागरूकता के लिए बच्चे बहुत ही अच्छा और सशक्त माध्यम है। उनके माध्यम से जो संदेश जाएगा उसको पूरा समाज दिल से स्वीकार करता है। और ये जो खूबसूरत पेंटिंग यहाँ पर बनाई जा रही है इनको हम लोग अपने कार्यालयों में थाना में इनको हम लोग दीवारों पर लगाएंगे ताकि लोग आएँ और इसको देख के उनको एक संदेश जाए और जागरूकता फैले इसके विषय में। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में स्नातक प्रथम खंड सत्र 2020-2023 में नामांकन हेतु कवायद आरंभ हो चुकी है। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह के निर्देश के आलोक में इस हेतु 26 फरवरी को पूर्व से गठित नामांकन मॉनिटरिंग समिति एवं 27 फरवरी को नामांकन समिति की बैठक आयोजित होगी। जानकारी देते हुए अध्यक्ष छात्र कल्याण प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा समाप्ति के बाद मूल्यांकन आरंभ हो रहा है। मार्च 2020 के अंत तक रिजल्ट प्रकाशित होने की संभावना है। अभी से नामांकन की तैयारी करने से विद्यार्थियों को परीक्षा फल प्रकाशित होने के बाद आवेदन करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। ज्ञात हो कि इस विश्वविद्यालय में सत्र नियमित चलने के कारण छात्रों का झुकाव इसकी ओर रहता है। पिछले साल भी लगभग 2 लाख छात्रों द्वारा आवेदन किया गया जिसमें 1.5 लाख से अधिक छात्रों ने नामांकन लिया था। एसएसपी ने जनता दरबार का किया आयोजन, सुनी आम जनों की फरियाद, निदान के दिए आश्वासन। बिरौल थाना से हम आए हैं और करीब आज 6 महीना पहले मेरा चचेरा भाई राम बदन यादव को घर में घुस करके गोली से हत्या किया गया, जिसमें 2 गोली का खोखा भी बरामद हुआ। पुलिस वाले साहब ने ले गए और 6 पोस्टमार्टम भी उनको हुए और इनके बाद 6 महीना होते जा रहे हैं, जिसमें समाज के थ्रू 2 मुजरिम को पकड़ के उन लोग को गिरफ्तार किया गया और बाकी मुजरिम को पकड़ने के लिए सक्षम नहीं है। ये लोग सर गांव का ही थे, मारने वाले भी। हाँ, 2 लोग को समाज पकड़ के दिए पुलिस के थ्रू, इसके बाद बाकी लोग को वो लोग नहीं पकड़ रहे हैं। विधानसभा मार्च में शामिल होने के लिए लोगों का जत्था ट्रेन से पटना के लिए हुआ रवाना। कल सुबह भी निजी वाहनों से विधानसभा मार्च में शामिल होंगे लोग। CAA NPR के खिलाफ विधानसभा से प्रस्ताव पास करने, जल जीवन हरियाली के नाम पर दलित गरीबों को उजाड़ने पर रोक लगाने की मांग को लेकर भाकपा माले द्वारा आयोजित विधानसभा मार्च में शामिल होने के लिए दरभंगा और लहेरियासराय से दलित गरीबों का जत्था रवाना हुआ। इसका नेतृत्व भाकपा माले के नेतागण कर रहे थे। दरभंगा सहित पूरे बिहार में लगेगा स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर। बहादुरपुर प्रखंड कार्यालय के सामने मेसर्स रूबी चौधरी एंड कंस्ट्रक्शंस की ओर से स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे बिहार से आए लगभग 200 से अधिक युवकों को स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर इंस्टॉलेशन का प्रशिक्षण दिया गया। मेसर्स रूबी चौधरी एंड कंस्ट्रक्शंस के प्रोप्राइटर संजीत चौधरी ने बताया कि मेरे कंपनी के द्वारा पूरे बिहार में स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर सभी घरों में इंस्टॉल करना है। इस कार्य के लिए सैकड़ों वर्कर की आवश्यकता पड़ेगी और मेरी कंपनी के द्वारा उन्हें रोजगार देने का काम किया जाएगा। पूरे बिहार में लगभग 1 करोड़ स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर इंस्टॉल करना है। जिस काम को शुरू करने के लिए कार्यालय में पूरे बिहार से आए हुए युवकों को स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने का तरीका योग्य तकनीशियों के द्वारा समझाया गया। उन्होंने बताया कि दरभंगा जिले में भी लगभग 5 लाख स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर लगना है, जिसका काम होली के बाद शुरू होगा। इस कार्यशाला में सोनू, सतीश, अभिषेक, सुनील, विनोद, धर्मेंद्र चौधरी, रोशन कुमार, राजीव कुमार, अमन कुमार, सचिंद्र चौधरी सहित सैकड़ों युवक प्रशिक्षण लेने पहुंचे।
ऐप से हम लोग को उसका सीआई का जो मतलब हम लोग के पास उसका ये जानकारी करेंगे कि इसका एवरेज क्या है। वो एवरेज कंज्यूमर डिटेल जितना भी होगा, जैसे कस्टमर आईडी, फिर में हमारा न्यू का जो है ऐप मतलब कंपनी का नाम हम सेव कर देंगे। हमारा ये जैसे मीटर स्मार्ट हर वो हम ऐड कर देंगे, फिर के वी एच, फिर उसमें तीन सील हम लोग को नंबर के डब्ल्यू एच के वी एच वोल्ट मीटर का इमेज 30 से कम नहीं रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सील लगाना। सबसे पहले टर्मिनल पार्ट में सील लगाएंगे, फिर उसके बाद वो बॉक्स में ऑलरेडी लगा हुआ रहता है, फिर बॉडी में ऑलरेडी लगा हुआ रहता है, फिर हम लोग को बॉक्स में लगाना है। सबसे पहले सीआई करना होगा। सीआई का क्या काम है तो हम आपको बता। एमएस रूबी चौधरी के अंतर्गत कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत यह स्मार्ट मीटर लगाने की काम चल रही है, इसका ट्रेनिंग चल रही है। जो भी अभ्यर्थी पटना से ट्रेनिंग करके ईडीएफ में आए हुए हैं, उनके द्वारा यहां के बेरोजगार लड़के को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस कंपनी का मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारी खत्म किया जाए, रोजगार लाया जाए। तो ये 38 जिले की इसको कॉन्ट्रैक्ट मिली है स्मार्ट मीटर लगाने की, जो लगभग 1.5 करोड़ मीटर है, और यही लोग ट्रेनिंग करके जाएंगे और यही लोग आपके यहाँ इंस्टॉलेशन करके लगाएंगे। 200 कर्मी दरभंगे के लिए नियुक्त किए जाएंगे, बाकी सभी जिले में 100 पर्यवेक्षक और 900 तकनीशियन नियुक्त किए जाएंगे। स्मार्ट मीटर का यह लाभ है कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को अब मीटर रीडर की बहाली करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ मीटर रीडर नहीं जा पाएंगे घर पर, ये सही समय पर सही बिल देगी। जो डिजिटल मीटर की भाड़ा लगती थी वो नहीं लगेगी। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन आर नेम टू ट्रस्ट अपॉन हेरू इंग्लिश स्कूल दरभंगा। क्वालिटी एजुकेशन विद बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ऑल द व्हीकल्स आर इनेबल्ड विद जीपीएस, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स लैब, वेरी गुड फैसिलिटीज फॉर बोथ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। कंप्लीट स्कूल कैंपस इज अंडर सीसीटीवी सर्विलांस, रेगुलर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पेरेंट्स थ्रू SMS अलर्ट सिस्टम, एम्फेसिस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट, नो री एडमिशन चार्जेज फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स, 5 acres environment friendly campus, all classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 7763819774। मधुबनी पेंटिंग और कबड्डी के जरिए स्कूलों के नन्हे मुन्ने बच्चों ने दिए नशा मुक्ति के संदेश। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम खंड में नामांकन हेतु कवायद प्रारंभ। विश्वविद्यालय का सत्र नियमित होने से इस बार भी यूनिवर्सिटी की ओर है लोगों का झुकाव। SSP ने जनता दरबार का किया आयोजन, सुनी आम लोगों की फरियाद। विधानसभा मार्च में शामिल होने भाकपा माले के बैनर तले रवाना हुए लोग। दरभंगा सहित पूरे बिहार में लगेगा इलेक्ट्रिसिटी मीटर, कार्यशाला का आयोजन कर दी गई ट्रेनिंग। और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव पहुंचे दरभंगा, बोले मुद्दों से भटकाने के लिए सरकार लाई है CAA, NRC और NPR। बाजार समिति चक जमाल दरभंगा पर अनिश्चितकालीन धरना जारी है। CAA, NRC और NPR के खिलाफ धरना पर बैठे जनसभा को पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह कानून सरकार सिर्फ इसलिए लाई है कि हिंदुस्तान के लोगों को सरकार बनने से पहले जो उनसे वादा किया गया था, काला धन लाने, 15 लाख रुपए हर भारतीय के खाते में आने, बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा, इन सब बातों को चूंकि सरकार विकास के साथ पूरा नहीं कर पाई है, इन मुद्दों से भटकाने के लिए लोगों को CAA, NRC और NPR में उलझाया गया है। ऐसा 70 बरस में कभी नहीं हुआ। ऐसा 70 बरस में कभी नहीं हुआ जो दौर में 5-6 बरस में हुआ है। वादे इन्होंने किए थे कि हम किसान की जिंदगी बदलेंगे, वादे थे कि बेकार बेरोजगार नौजवानों को हम 14 करोड़ 2 करोड़ हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसान की फसल का 1.5 गुना दाम दें,
हर खेत पर पानी ले जाएंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे। हमने वादा किया था कि हम बाहर से पैसा लाएंगे, 15-15 लाख हर आदमी के बैंक खाते में डाल देंगे। नोटबंदी कर दी, नोटबंदी के चलते देश में ऐसी बुरी हालत हुई कि धंधा व्यापार सब अकेले नोटबंदी के चलते आज तक 5 से 5.5 करोड़ लोग रोजगार में लगे हुए थे। बाहर इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के फ्रेंच के स्टूडेंट्स द्वारा प्रोजेक्ट्स बनाए गए। इसकी थीम ए ट्रिप टू फ्रेंकोफोन वर्ल्ड था। इस अवसर पर इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज की डायरेक्टर प्रोफेसर प्रतिभा गुप्ता ने आए सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए साथ में यह भी बताया कि फ्रेंच के फर्स्ट सेमेस्टर के आधार पर स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया गया था। यह प्रोजेक्ट उनके फ्रेंच भाषा के ज्ञान को समृद्ध एवं उनकी बौद्धिक क्षमता एवं संप्रेषण कौशल को विकसित करने के उद्देश्य किया गया था, जिससे 14 प्रोजेक्ट्स जमा किए गए। विषय वस्तु फ्रेंच भाषा के विभिन्न आयामों को प्रदर्शित करना था, जिसे प्रतिभागियों ने पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शित किया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा संपोषित सामाजिक विज्ञान में शोध पद्धति कार्यशाला के 6वें दिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के सांख्यिकी विभाग के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश सिंह ने शोध में सांख्यिकी पर अपना व्याख्यान देते हुए कहा कि सांख्यिकी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या, स्पष्टीकरण और प्रस्तुति की जाती है। शोध में सांख्यिकी दर्शाते हुए कहा कि सामाजिक विज्ञान में गुणात्मक तथ्यों को गणनात्मक तथ्य में बदलने में इसका महत्व है। 21 फरवरी से ही चल रहा है आमरण अनशन। लहेरियासराय पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनहित परिवार पंचायत इकाई की ओर से यह अनशन किया जा रहा है। प्रखंड बहादुरपुर पंचायत जलवार के निवासियों द्वारा। सर, हमारे पंचायत में मुख्यमंत्री साथी योजना का काम नहीं हुआ, पूरा पैसा बंदरबांट हो गया और वीडियो डीएम सर को झूठा रिपोर्ट देता है कि काम पूर्ण हो गया और हम लोग पिछले 4 दिन से अनशन पर बैठे हैं। एक बार भी डॉक्टर नहीं आया है, कुछ नहीं। और ये बूढ़े हैं मोहित राम जी, जिनकी उम्र है 70 साल। आज तक इनको पानी का व्यवस्था नहीं हुआ। सोचे कि कम से कम अपनी लड़ाई लड़के लोगों को भी नल जल की व्यवस्था करवाएंगे और खुद भी नल से जल लाएं पिएंगे, लेकिन लगता है ऐसा नहीं हो पाएगा। और तब क्या अगर वो आंदोलन और किसी तरह की आपत में ये घटनाएं होती है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेना होगा। नहीं, एक मजिस्ट्रेट के रूप में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी हैं, वो कल आए हुए थे, उन्होंने हाल जाना और फिर वो चले गए। परसों एक कोई कंपाउंडर आया था जो बीपी नापा, उसके बाद अभी तक कोई नहीं आया है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग यहीं पे भूखे मर जाएंगे, लेकिन हम लोग अपने मांग को जब तक पूरा नहीं किया गया तब तक यहीं पे भूखे पड़े रहेंगे। मधुबनी पेंटिंग और कबड्डी के जरिए स्कूलों के नन्हे मुन्ने बच्चों ने दिए नशा मुक्ति के संदेश। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम खंड में नामांकन हेतु कवायद प्रारंभ। विश्वविद्यालय का सत्र नियमित होने से इस बार भी यूनिवर्सिटी की ओर है लोगों का झुकाव। SSP ने जनता दरबार का किया आयोजन, सुनी आम लोगों की फरियाद। विधानसभा मार्च में शामिल होने भाकपा माले के बैनर तले रवाना हुए लोग। दरभंगा सहित पूरे बिहार में लगेगा इलेक्ट्रिसिटी मीटर, कार्यशाला का आयोजन कर दी गई ट्रेनिंग। और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव पहुंचे दरभंगा, बोले मुद्दों से भटकाने के लिए सरकार लाई है CAA, NRC और NPR।